बच्चे हाथ से खा रहा हो गर्म लग रहा है, स्पून से खाओगे तो गर्म नहीं लगेंगे, जाएंगे तो मुंह में ही। हैं क्या जाओ मस्जिद जाओ फेस। ओहो यहाँ पापा फोटो खींच रहे हैं बच्चों के। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे आप सबकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ, और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और बस जुम्मे वाले दिन एकदम होता है, बस जल्दी जल्दी सारे काम करो। और मैं तो ज़्यादा जुम्मे वाले दिन मैं करती हूँ एकदम काम, जो करती हूँ ऐसे जो होती है ना स्पेशल सफाई जुम्मे वाले दिन वो करती हूँ मैं। और मैं सोचा कपड़े भी धो लेती हूँ, ये देखो कपड़े फैले हुए हैं और उधर भी फैले हुए, गैलरी में भी फैला कर आऊँगी, उधर रखे हुए अभी फैला ही नहीं है। और काम करते करते इन सब का हो गया कुकर टाइम, तो मैंने सोचा फटाफट से बना लूँ मैं तायरी। मैंने रख दिया कुकर और आलू से मंगाया, आलू के लाए बस मंगाए थे मैंने आलू, बस ये बहुत रही है तो ये रखियो और ये नहीं लाए, बस सलाम करो और तुम भी करो। चलो फटाफट से बनाते हैं तायरी। और आज मैंने सोच लिया था बिस्मिल्लाह, आज मैंने सोच लिया था, मैंने कहा जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा खाना नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि क्या होता है काम वो और रुक जाता है मेरा, और वो काम फिर और हो जाता है मेरे लिए भारी। तो इस मारे अब देखो मैंने शावर भी ले लिया आराम से, अब सुकून से हम तायरी बनाएंगे और खा लेंगे। और सबसे ज़्यादा जब मैं खाना बनाती हूँ या मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ, बच्चे इतना ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं कि पीछे से कहते हैं अम्मी अम्मी ये कर दो वो कर दो। और इधर ऑयल भी हो गया गर्म, मूड खराब कर देते हैं वाकई। लाए बस आलू के लिए, कहा फ्रिज में से आलू लिया तो कह रही है मैं बाहर दुकान नहीं जानती, और जबकि कहा फ्रिज में से आलू निकाल के लिए इतना परेशान करते हैं। और ये साथ साथ में मैंने डाल लिया, सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और उधर प्याज भी हो गई है गर्म, और ये दिया मसाला मिर्चे धनिया हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट करनी है। फटाफट से काट लूंगी आलू और इसकी इतना होने की वजह से परेशानी हो रही है मुझे, और थोड़ी लाइट इतनी ज्यादा कम लग रही है मुझे, बहुत ही डीम लग रही है, एक बल्ब एक्स्ट्रा लगवाऊंगी ताकि रोशनी दे। ये भी आलू धो के को भी काट लूंगी। अब काम जितनी मैं चाहती हूँ ना फटाफट करूँ, उतने बच्चे ब्रेक लगा देते मेरे काम को। और तायरी के अंदर आलू पक गए अच्छे लगते हैं, तो ये लोग पतले डाले तो हाथ गीले होते हैं, तो मोबाइल पे बंद नहीं होता जल्दी से, तो ये मैंने काट लिया। उसके बाद हाथ मेरे गीले भी हो रहा है ना, तो बंद कर रही थी कैमरा बंद नहीं हुआ, मैं समझी कैमरा बंद हो गया लेकिन वो बंद नहीं हुआ था, ऑन था कैमरा। और ये मसाला भून लिया आलू डाल के खूब अच्छे से, आलू भी मैंने भुनाई कर लिया आलू की। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी अब चावल, और पहले तो एक गिलास डालती हूँ पानी, और ये एक गिलास और डाला, टोटल मैंने डाले दो गिलास पानी क्योंकि चावल भीगे हुए थे। और ये डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि चावल मैंने भिगो दिए थे जब मैंने मशीन लगा रखी, जब भिगो दिए थे। अब मैं लगा दूंगी ढक्कन,
काम को तो मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाना जो शुरू करा वो स्टार्ट करा है वो मैंने तायरी से। अब मैं सोचा सारे काम तो मैंने कर ही लिए, ब्लॉग में दिखाऊँ क्या, तो मैंने कहा तायरी मैंने रोक दी सी मारे अब। लेकिन ये है कि जुम्मे का दिन भी था और बच्चों को भूख भी लग रही होगी और शोर जी भी आएंगे आज खाना खाने लंच में, तो इस मारे ये था। लेकिन करते करते काम को बच्चे भारी कर देते हैं मेरे, और आज फिर वही हुआ, वॉशिंग मशीन में से इतना पानी निकला, पाइप हो गया इधर पूरा गया जीने तक पानी, और फिर नीचे तक जीना मुझे साफ करना पड़ा। और ये वाली बात मैंने बता दी थी उनको, जब भी वॉशिंग मशीन में से पानी जाता है तो बस बिस्मिल्लाह। इतना काम तो मैं पहले कर देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ चल थोड़ा काम तो रोक दूँ, जो ब्लॉग में दिखा दूँ क्या दिखाऊँगी, तो फिर वो लोगों सारे बिना ब्लॉग के सारे काम कर देती हूँ। अभी कपड़े फैलाने ग्रिल में, पर उससे पहले ग्रिल होगी वो साफ कपड़े से, क्योंकि कबूतर पट्टी करते थे तो वो गंदी हो जाती है, तो दोबारा मुझे साफ करनी पड़ेगी। प्लेट भी रखती हूँ, अब तक छोटे छोटे बच्चे भी अब बड़ी प्लेटों में खाना पसंद करते हैं, तो उस मारे बड़ी प्लेटें निकाली मैंने सारी, और इतनी ज़बरदस्त वाली मेरी छुरी से उंगली कर गई, इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, बहुत ही बस कट लग जाता है ना एक, बहुत ज़्यादा वो होता है, ऐसा लगता है बहुत अंदर से कटे हुए का एहसास बहुत बुरा होता है वहाँ पर। आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन इन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता वाकई के कटे ये फटे ये चले। ये मत लेके जा, ऊपर अंदर ही लेके जा रही हूँ। अभी पूरी सीटी लग रहा है यहाँ पर, हो रहा है इंतजार खाने का और अभी कपड़े फैलाए नहीं है पड़े हुए, और कपड़े कुछ कह रहे थे आप। अच्छा लाए बटन गए हैं जुम्मे वाले दिन, उसे अच्छा लगता है माशाल्लाह, सब कुर्ता पजामे पहने हुए होते हैं वाइट वाइट। लाइबा ने हिजाब पहन रखा है, लाइबा का कुछ लाइबा का असल में भूख लग रही है, ये है, है? किसी ने पूछा नहीं मेरी उंगली कट गई है। कैमरे के पीछे तो पूछ रहा था है कैसा खाओगी, को तो नहीं खाऊं है फिर चम्मच से खा लो है, क्यों बारात में आए हो जो सबसे पहले तुम्हें दूँ, सबसे पहले अपनी लाइबा को दूंगी, लाइबा छोटी सी है, छोटी सी क्यूट है, अभी एक बार खुद ने पढ़ ली नमाज, अब एक बार मेरे साथ पढ़ेगी नमाज लाइबा मेरी। और लाइबा का कल दांत टूटा था ना, लाइबा के पापा ने गिलास भर के दूध पिलाया था, वो भी अपने हाथों से, जैसे कोई छोटी सी मुनिया को पिलाते हैं ना, छोटी सी मुनिया को ऐसे पिलाया था अपने हाथों से। और फेस को इतनी फेस को इतनी भूख लग रही है, पापा का सारा ले रखा। अरे दम पे तो लगने दे बेटे, दम पे दम पे दम पे दम पे दम पे बेटे, चूली पे होता है, चूली पे गाय पे होती है। अपने पापा से कह रहा थे अम्मी को समझा लो, आज वैसे छोड़ देने तो एक बार भी नहीं था, तीनों बच्चे कह रहा है। और लाइबा को तो दफ्ती लग रही है भूख, जैसे मैंने मछली लगा रखी थी है ना, जो लाइबा पापा सुबह में नहीं खाती, शाम में किसी दिन नहीं खिलवा दो लाइबा को, नहीं सुबह में नहीं खाती, आज शाम में खिलवा लो कितने इससे, शाम में सुबह में खाती है। तो सबसे पहले पड़ी है वो भी नकली वाली लाइबा ने पड़ी है, नकली वाली पड़ी है ये पता है, असली पड़ती है वो इधर इधर बच्चों कुछ कुछ यूं करके तो देखती है, कहीं यूं कर गया आया, फिर भी कल असर की नमाज दो बार पढ़ी है बस, अभी एक बार मेरे साथ भी पढ़ेगी नमाज ना, 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 ना,
इतनी स्पीड में कि मेरी उंगली कट गई, फिर मैंने आलू एक चम्मच आज हम बात को दूंगी आलू ज्यादा, क्योंकि आलू पूरा एक आलू बढ़वाया चार आलू। और यहाँ पर बैठ गए अब खाना, अल्लाह तेरा शुक्र एहसान मालिक का। मुनिया 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 कैसी लग रही दादी मुनिया? और ये लम्बी मुन्नी ने खाई नहीं शहजादे ने, मैं शहजादे, अरे शहजादे गर्म हो रही है जरा ध्यान से खा लेना कभी मुँह जल जाए। और आज शाम में बनाऊंगी आलू बैंगन, आलू बैंगन बनाऊंगी। हाँ। और फेस को तो बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं फेस। मैं ना बोलती अगर चावल बनाऊंगी तो सारे। और उसके साथ में क्या बनाऊंगी? जीरे के चावल। जीरे के चावल मैं तो रोटी पसंद है। बैंगन तेजी दी अल्लाह मोती हो जाएगी तेजी दी आएगी तो। और अल्लाह शोर जी ने तो प्लेट साफ कर दी और मैंने तो अभी शुरू भी नहीं करा। देखो फ्रेंड्स ये होता है मेरे साथ में, मैं व्लॉग बनाती रह जाती हूँ और मेरी प्लेट देखो रखी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मुझे और ज़्यादा स्पीड दे। अरे ये ले इनकी बहुत पुरानी आदत है, ये अपनी खा के मेरी प्लेट ले लेते हैं फिर मुझे सबर नहीं आता इसे। अभी तो मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। चलो और मोहब्बत तो है ही, और मोहब्बत हो जाएगी शोहर जी से, शोहर जी की झूठी प्लेट में खाऊंगी तो। चलो फ्रेंड्स एक चीज़ दिखाती हूँ अभी ना, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह छोटा निवाला लिया वैसे लो जैसे लेते हो। चलो अब हम लेंगे खाना खाने के बाद में, बहुत बातें कर ली तायरी बनना हो जाएगी हमारी ठंडी। और यहाँ पर हमने खाना खा लिया। लाइबा ये सारी प्लेटें सिंक में डालना और कुकर के अंदर ज़रूर पानी भर देना, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज का टाइम हो रहा। नहीं नहीं मैं, हाँ तो तुम आ जाना तो मैं वजू कर रही हूँ। ये सारा सामान दस्तखान हटा के जब आना, लेकिन अभी कपड़े भी फैलाने बाद में फैलाऊँगा, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँगा। और ये प्लेटें भारी थी तो मैंने इसके पीछे ही लगा दी थी। और ये भी पेस को भेजा आलू लाने के लिए, वो आलू कह रही हूँ बैंगन लाने के लिए। और मैं बैंगन के साथ में बनाऊंगी जीरे के चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि उंगली मेरी अच्छी खासी कट रही है और जैसे मैं आटा भी नहीं गूंथ पाऊंगी। और बर्तन धोए बड़ी मुश्किल से धोए बर्तन बस, और फटाफट से चलो इतने करते हैं आलू बैंगन की तैयारी। और ये मैंने ले ली तो टमाटर, टमाटर को भी सबो दूंगी ऐसे कट कर लूँगी। अभी लाया नहीं है सोदा, सोदा आने से पहले ही मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये है कि आज बच्चे आज उसे बच्चों ने हामी भर ली कि हम बैंगन खा लेंगे। अभी देखते हैं कितना खाते हैं कितने नहीं खाते बैंगन। टमाटर तो अल्लाह का शुक्र है अब हुए सस्ते टमाटर, वरना टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे। बस यही सोचते हैं कि अगर सब्जी भी इतनी बुलंदी में पहुंच जाएगी तो जो एक गरीब है वो क्या खाएगा। बस एक ये है। और हमारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है इस टाइम पे, लॉकडाउन की तरह ही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो सब घरों से घूमने जा रहे हैं छुट्टी मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने ही घरों में रहो, अपने ही एरिया में रहो, और बाकी बहुत सख्ती हो रही है इस टाइम पे। और जब मना करा है तो जाना भी नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा, एक दो डंडे पड़ जाए तो क्या फ़ायदा होगा, पिछाड़ा लाल हो जाएगा। तो इस मारे आलू तो कर लिए कट, और अब प्याज, अब प्याज लेकर आ गए शोर जी, प्याज भी टमाटर भी, वो नहीं लेकर आए बैंगन, बैंगन के लिए फेस को भेजा, ऐसे करते हैं ये भी। अरे प्याज काटने में मिर्ची लग रही है क्योंकि कट हुआ हुआ है ना, कट हुआ मिर्ची लग रही है। अब साथ साथ में बर्तन भी धो के चलती है ना, तो ये देखो इसका ढक्कन अभी तक आज तक नहीं मिला मुझे, आज तक नहीं मिला ना ढक्कन।
मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सुहाना हो रहा है मौसम, लेकिन छत होती तो मौसम दिखाते हैं, अभी तो छत है नहीं है, लेकिन अच्छा हो रहा है, वो नहीं है, हल हल वाली गर्मी नहीं है, सुकून है, सुकून से हमें बैठे हैं, ये नहीं कि हर वक्त मिलती है कि गर्मी है गर्मी, अल्लाह का शुक्र है ठंडक है सुकून है। और बैंगन के अंदर पूरा चार का मसाला डलता है, पूरा सौंफ धनिया तो मैं पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी, लेकिन जो कलौंजी और मेथी होती है उससे मत पीसना, क्योंकि उसे पीसने से कड़वाहट हो जाती है, और उसमें सौंफ धनिया दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। सौंफ धनिया मैंने इसमें लिया, सौंफ धनिया इसमें लिया, इसे मैं पीस लूँगी। अभी तो फेज आए नहीं है तो मैं जीरे के चावल चढ़ा देती हूँ पहले घर वाले चूल्हे पर, और अगर आप चाहें तो टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, टमाटर प्याज, पर मेरे तो ऐसे ही गल जाते हैं भुनाई करते करते में, तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ टमाटर में प्याज की। और सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि हाथों हाथ भी किचन को साफ करते हैं, वरना जहाँ आपने एक टाइम कभी नहीं करा, मान लो जैसे मैंने चाय बनाई हो, चाय के बर्तन नहीं धोए और खाना बनाने खड़ी हो गई, तो समझो बस बर्तनों का ऐसा हो जाएगा, पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा माशाल्लाह। चावल नीचे रख दिए थे, जगह ही नहीं होती रखने की, कहाँ रखूं। आज डराओ ओहो, आज छोटे वाले लाए हो उतनी देर में, क्या किलो मिला? पता नहीं। 50 कितने दिए थे? 50 दिए थे, कितने दिए पापा? 50 दिए थे। सबके लिए आए? हाँ। यानी 50 रुपए किलो है, छोटे वाले लाया इतने साइज के। हाँ सही कह रहे हो, अपनी तरह लेकर आए जितने। हाँ बड़े भी थे लेकिन मैं छोटे लेकर आया। अरे तो बले ले आते हैं? बले वाले ना खराब थे। खराब थे? हाँ उसमें ना कीड़े लगे हुए थे। चलो ठीक है, ये अकलमंद तो इन्होंने काम कराया ना, जब प्याज और टमाटर लिया है। अरे क्या कर रहे हो? प्याज और टमाटर, अल्लाह मत पकड़ो कबूतर को ऐसे, कोई आपको ऐसे पकड़े झपट्टे से। हाँ तो हाँ कह रहा हमें पकड़ ले कोई भी। अरे ये मोबाइल में क्या हो गया मेरा? यहाँ से कटी हुई है, इस पे थोड़ी सी मिर्ची लगाओ इनको। आई अल्लाह, आई वाह, कितना अच्छा तरीका बताया मेरे शोर जी ने। मैं इन हाथों से इतना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ, और मेरा हाथ ही मिर्चों में करके, और मिर्चें भी बड़ी खतरनाक वाली हैं। हाँ सही कह रहे हो, बीमारों की तो कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक रहम नहीं है आपके दिल में, वाकई यह हकीकत बात है। वैसे आप बहुत, आपका दिल ऐसा है नाजुक, लेकिन नाजुक नहीं है, बेरहम दिल है, कातिलाना बताओ। और ये चावल में डालने वाला पानी एक हाथ से वैसे मुश्किल हो जाता है, एक तो एक हाथ से ऊपर से कटी होंगे, वो करेंगे ढक्कन इसका, अब इसके अंदर करेंगे ढक्कन। और बैंगन को अच्छे से वॉश करूंगी, वैसे ये ऐसे भी बनते हैं, बीच में कट लगा दो चारों तरफ और ना मसाला भर दो, लेकिन हम लोगों को वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और ये देखो, ये मेरा नन्ना बच्चा, क्या ये ना एक घंटे में दो घंटे वरना सुबह तक बड़े हो जाएगा। बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें भी भिगो दूँ टप में, तुम भी बड़े हो जाओगे, सही है। ये बैंगन देखो कितना अच्छे से मैंने धो लिया, बैंगन के साथ में तो एक फोटो होना चाहिए, अंदर ले आई हवा में। और मैं तो अंदर ही आकर बैठ गई, मैंने क्या आराम से अंदर सुकून से सब्जी कट कर लूँगी, देखने में कितना अच्छे लग रहा है, प्यारा लग रहा है ये बैंगन। आज फेस को खिलाने हैं बैंगन, तुम्हें नहीं अच्छा लगता? छोड़ गया तो अपने हैं। जाओ मस्जिद जाओ, फेस आज वाला नहीं करता।
ओहो, यहाँ पापा फोटो खींच रहे हैं बच्चों के। मैंने पहले बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी, सवाला घर में रहती थी, बैंगन बनाए थे मैंने, आलू बैंगन, और इतने मज़े के बने थे ना वो वाकई। लेकिन कमेंट इतने ज़्यादा खास नहीं आए थे, लेकिन दो तीन महीने बाद में फिर मैंने चेक करा कि उस पर कितने व्यूज़ आए मेरे, तो वो 2000 पे पहुँची हुई थी वो वीडियो, 2000 पे। और सब्जी हमेशा ध्यान से काटना चाहिए, बैंगन के अंदर भी कीड़े होते हैं। और चलो बैंगन हमने कर लिए कट, और फटाफट से मैंने रख दिया था इसमें सरसों का तेल। आज जो मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में बनाऊंगी बैंगन। और ये बैंगन आलू के लिए मैंने मसाला निकाल लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, और ये वो है कलौंजी और मेथी थोड़ी जो मैं पीस कर निकालती हूँ, और नमक। और ये इसकी क्वांटिटी मैं इस मारे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अब मैंने लिए 1 किलो बैंगन, तो 1 किलो बैंगन के हिसाब से ये मसाला जाएगा। कोई 250 ग्राम बनाएगा, या कोई 1/2 किलो बनाएगा, या कोई 1.5 किलो बनाएगा, तो वो अलग अलग वो होता है इस मारे। और ये मैंने ले लिए टमाटर, और ये मैंने ले ली एक बड़ी प्याज। उंगली की वजह से प्याज थोड़ी मोटी मोटी कटी है, थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी वो मैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑयल भी हो गया गर्म, और ऑयल डालने के बाद में, गर्म होने के बाद में डाल लूँगी मैं प्याज। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना ही चाहिए ताकि तेल की स्मेल नहीं आए। और ये रहा सौंफ धनिया, और ये सौंफ धनिया मैं ऐसे पीसूंगी, इसके अंदर मैं पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही सूखा पीसूंगी, क्योंकि पानी डालने के बाद में ना ये पिसता नहीं है सही से, सिर्फ ऐसे सूखा पीसूंगी इस मारे पाउडर जो बनाऊंगी मैं। ये बना लिया पाउडर, और इसका और ये कलौंजी मेथी का इतना बढ़िया टेस्ट आएगा ना, कि जैसे अचारी बैंगन होते हैं वो बन के तैयार होगा, टेस्ट बहुत मज़े का होगा। इधर प्याज भी हो गई है हल्की हल्की साइडों में से थोड़ी ब्राउन, और साथ साथ में डाल दूँगी इसके अंदर मसाले। और टमाटर भी डाल दूँगी साथ साथ में, क्योंकि अब ये सारा मसाला एक साथ भुनाई कर लूँगी। कलर देखो कितना बढ़िया आया है, ये डाल दूँगी सौंफ धनिया। अच्छी खूब अच्छे से करनी है, मुझे तो लोहे की कढ़ाई में ही मुझे सब्जी बनाना पसंद है, क्योंकि नॉन स्टिक में भी ऐसी नहीं बनती, जैसी बनती है लेकिन यह है कि वो एक साल के बाद में वो कोटिंग छोड़ना शुरू कर देती है कढ़ाई, तो तुम्हारे वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, तो तुम्हारे में तो बस लोहे की कढ़ाई सही है मेरी तो। और वैसे मसाला मैंने भून लिया, मैं डाल दूँगी इसके अंदर बैंगन, क्योंकि बैंगन डाल के तो पूरा ही बढ़िया तरीके से भुनाई हो जाएगी। और बैंगन जब कट करें वो सीधा पानी में ही कट करें, ये देखो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे जंग जंग सा लग गया। अब मैं तो खैर जब ही बनाने खड़ी हो गई थी, और ये देखो कितने ऊपर तक भरी रही है कढ़ाई। और अब मैं क्या करूँगी, इसकी भुनाई करते करते इतना कर दूँगी, इसको आधा कर दूँगी, और देखने में इतने बढ़िया लग रहा है। और साथ साथ में डाल दूँगी आलू, और ये देखो कितने मज़े के लग रहा है, एकदम मसालेदार तैयार हो गया हमारा आलू बैंगन, और इतनी उंगली बचा रही हूँ, लेकिन फिर भी उंगली में मसाला पता नहीं कैसे जा रहा। और इधर शोर जी बच्चों को दे रहा है डायरेक्शन, चलो से मैं ढक दूंगा, और इसका ढक्कन खोल कर देखते हैं। वाह माशाल्लाह, देखने में इतने बढ़िया लग रहा है, यम यम लग रहा है, खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि अच्छा पका हुआ होता है तो जाहिर सी बात है खाने का भी दिल करता है। वाह, और मेरा यकीन मानना एक बूंद पानी में डालिए इसके अंदर, एक बूंद। ये देखो कितने भुने भुने बनाए बैंगन, और आलू भी गल गए हैं, ये देखो एकदम सॉफ्ट। और भुनाई तो माशाल्लाह से देखो कितनी बढ़िया। और चलो ये तो रेडी हो गए साथ साथ में।
बुनाई होता तो इतने मजे के होंगे नहीं। अब बैंगन तो बस जो खाएगा उंगली चाटते ही रह जाएंगे अपने। मेरी पहली वीडियो गई थी 2000 पे गई हुई है बैंगन की, इसको पहुँचा दो जल्दी से। और ये डिश जो मैंने बनाई है ये उनके लिए बनाई है जो क्या मटन चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, जो सिर्फ सब्जी वगैरह खाते हैं, मैंने उनके लिए बनाई है खास। बढ़िया। तो माशाल्लाह से इस तरीके के चावल रेडी हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितने बढ़िया बनाए, एकदम खिले खिले, और चावलों में बिल्कुल परफेक्टली दम लगाया है, क्योंकि मैंने बैंगन आलू बनाने से पहले मैंने चावल बना लिए थे ताकि दम लगा रहा है। यहाँ पर शोर जी को देखते उनको लग रही थी भूख, लो उठो जल्दी से उठो। और गैस कर दूंगी बंद क्योंकि खूब बढ़िया भुनाई हो गई है बैंगन के अंदर। ये मैं निकाल दूंगी। वाकई माशाल्लाह से। और अचार के मसाले की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और एकदम धुआंधार बैंगन हो यार, सब्जी भी अच्छी लगती है। अगर हम अच्छे तरीके से सब्जी बनाएंगे तो सब्जी भी बहुत ही बढ़िया लगेगी माशाल्लाह से। और चलो ये भी देकर आ जाते हैं साथ साथ में। ला 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 ला, गरम गरम। बहुत गरम हो रहा है बिल्कुल एकदम, गैस बिल्कुल अभी बंद करा, बल्कि प्लेट में निकालने के बाद में बंद करा मैंने गैस। स्पून दे रही हूँ। अच्छा हाथ से खा रहे हो गरम लग रहा है, स्पून से खाओगे तो गरम नहीं लगेंगे, जाएंगे तो मुंह में हैं क्या। वाह सुभान अल्लाह। होना क्या रखा है कप में? छोटे 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 छोटे। ओह अल्लाह समझा ना, पानी चला जाता दिखा। हाथ हटा हाथ हटा। ओह वाह कितना खूबसूरत लग रहा है कलर। ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना, ये और बड़े हो जाते हैं। हाँ पानी डालनी है। ये और बड़े हो जाते हैं, ये पानी फिल्टर होते हैं। हाँ चलो ठीक है। और ये एक रोटी बना रही हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि रात का टाइम है तो चावल भी नुकसान देंगे फिर मुझे, तो मैंने इस बार एक रोटी डाल दी है, थोड़ा सा ले लूँगी चावल, क्योंकि दोपहर में भी हम लोगों ने चावल ही खाए थे, ताई दिखाई थी। और रोटी वैसे ऐसी ही सेकनी चाहिए जैसे ऐसे तवे पर ही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग सेकते नहीं है, और ऐसे सेकने पर नुकसान देती है क्योंकि गैस की कहीं ना कहीं स्मेल आ जाती है, रोटी में शामिल हो जाती है तो नुकसान ही देती है। लेकिन बस हम लोगों को शुरू से ऐसे ही सेकने की आदत पड़ गई। और ये बना ली मैंने अपनी प्लेट, एक रोटी, थोड़ा सा आलू बैंगन और थोड़े से चावल। और खाना लिया ही मैं इधर कमरे में, और आराम से सुकून से खाऊंगी इधर कमरे का खाना, क्योंकि बच्चे उधर बचा रहे हैं शोर। मैंने सोचा यहीं पर ही आराम से बैठ के खाऊंगी खाना मैं। और भाप भी लग रही है, रोटी गर्म है ना तो वो भी लग रही है उंगली में। और बता यही रोटी निवाला खाते तो यही उंगली पहले जानी चाहिए निवाले के साथ, लेकिन चावल तो खा लिए थे बना, और रोटी भी बहुत गर्म ही हो रही है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बैंगन चावल के साथ में भी उतना ही बढ़िया लग रहा है, रोटी के साथ में भी उतना ही बढ़िया लग रहा है माशाल्लाह से।
वाकई लाजवाब। बैगन की भी एक अपनी उधर समझ में। और मेरी फेवरेट है दम तवे की उतरी हुई रोटी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच बताऊँ। और क्या पता मेरा दांत जो ख़राब हो रहा है उसी वजह से हो रहा हूँ, क्योंकि एकदम गर्म रोटी नहीं खानी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शुरू से वो पसंद है। और खाना खाने पर भी भूखना पड़ जाता है। और यहाँ पर फाइनली मैंने भी खाना खा लिया है। शोर जी ने जब खाना खाया था उनके बाद में भी काफ़ी टाइम बाद में खाया है मैंने खाना, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था सर बताओ मेरे को खाना खाने का। और सोच रही हूँ आखिर व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ जब भी अलग खुशी होती है और अल्लाह हाफिज़ करने की भी खुशी होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि हाँ एक हमारा व्लॉग पूरा हो गया, वरना पूरे दिन का एक व्लॉग बनाना सच बताऊँ बहुत बड़ी बात होती है। और इंसान ये होता है एक दिन बनाए दो दिन बनाए शौक से, तीसरे चौथे दिन तो वो भी थक जाते हैं और दिल भर जाता है, लेकिन मैं डेली डालती हूँ डेली। ये मेरी हिम्मत की रात है। ये देखो उंगली कटने पे भी कट लगने पे भी काम मेरा जारी रहता है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मेरी सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे लोग हैं, पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो अगर जिनको भी मेरे घर आना है वो अपना नंबर डाल दीजिए, जो मेरी फ्रेंड है या जो मेरी जितनी एज की है। और क्योंकि ये है कि मैं ब्लॉग में अपना पूरा एड्रेस शो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये है भाई मैं भी हाउस वाइफ हूँ, और ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ सबकी पर्सनल होती है, तो जाहिर सी बात है मेरी भी पर्सनल लाइफ है तो इस मारे। लेकिन जिन्हें भी मेरे से बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप अपना नंबर डाल दीजिए, मुझे सही लगेगा तो मैं आप ज़रूर ज़रूर कॉल करूँगी। और अल्लाह हाफिज़ इतना प्यार देने के लिए।